वेलकम बैक टू स्थिति एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, सीटेट हो, किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती से संबंधित यदि कोई एग्जाम है तो उसमें जो ब्लूम का वर्गीकरण है उससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो आज हम उसके बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैं, प्रश्न भी सम्मिलित किए गए हैं जो पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं, और कितने भागों में बांटा गया है, पूरी टैक्सोनॉमी जो कि ब्लूम द्वारा दी गई उस पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ब्लूम का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण को कहते हैं टैक्सोनॉमी, इसीलिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से फेमस हैं। और जो ब्लूम महोदय हैं हमारे, ये हैं, हंसते हुए देख लीजिए आगे ने, और जो ब्लूम का वर्गीकरण है उसके बारे में शुरुआत करते हैं। तीन स्तरों का एक समूह है जो श्रेणीबद्ध है, इसका उपयोग शैक्षिक शिक्षण उद्देश्य हो, तो सबसे मुख्य बात यहाँ पे आती है शैक्षिक शिक्षण उद्देश्य, जो शिक्षा में जो शिक्षण के प्रति जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उनके बारे में इन्होंने कार्य किया है। जटिलता और विशिष्टता के स्तर में वर्गीकृत करने का कार्य किया है, जो भी शैक्षिक उद्देश्य है उनको किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार सरल से कठिन की ओर शिक्षण उद्देश्य प्राप्त होते हैं उनके बारे में इन्होंने बात की है। तो पूछा जाए ब्लूम का अपनी पुस्तक का नाम क्या है, तो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट्स, इस पुस्तक का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है जिसका नाम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। और जो ब्लूम का वर्गीकरण का सिद्धांत है, सबसे पहले इनका फुल नेम है बेंजामिन ब्लूम। क्या नाम है पूरा फुल नाम? बेंजामिन ब्लूम, ब्लूम के नाम से ये फेमस है। और जो इन्होंने ये सिद्धांत दिया वो कब दिया, 1956 में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। बेंजामिन ब्लूम जो अमेरिका के निवासी थे, ये तो कहाँ के निवासी माने जाते हैं, अमेरिका के निवासी, इन्होंने अपने वर्गीकरण में बालक द्वारा उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम के मुख्य तीन पक्ष बताए, उसको हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें प्रश्न बन के आते हैं, एक तो ब्लूम की जो फेमस बुक है वो कौन सी है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, इनका फुल नेम भी ध्यान में रखना है कभी कभी ऑप्शन में कन्फ्यूजन के लिए, बेंजामिन ब्लूम। और इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया 1956 में दिया, और ये कहाँ के थे महोदय, अमेरिका के थे, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। इन्होंने जो तीन पक्ष दिए उन तीन पक्ष की एक बार खाका अपने दिमाग में तैयार कर ले, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित इसको ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं, इसको ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं, और इसका संबंध दिमाग से है यानी कि मस्तिष्क से है। और दूसरा पक्ष है भावात्मक पक्ष, इसका संबंध भावनाओं से है, अपने हृदय से है। और क्रियात्मक पक्ष, इसका संबंध है शारीरिक कार्यकलापों से संबंधित है। इसके साथ ही हम एक बात करते हैं, अपने भारतीय शिक्षा प्रणाली में 3H प्रणाली के नाम आपने सुना होगा, ये दिया था महात्मा गांधी द्वारा। और इन तीन H का मतलब था, पूछ लिया जाता कभी कभी, H मतलब हेड, हार्ट एंड हैंड। जो ब्लूम ने बात की थी संज्ञानात्मक पक्ष की, भावात्मक पक्ष की, क्रियात्मक पक्ष की, उसकी बात महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा प्रणाली में कर दी थी। जैसे एच और हेड, हेड का संबंध किससे हो गया, संज्ञानात्मक पक्ष से, हार्ट का संबंध हो गया भावात्मक पक्ष से, और हैंड का हो गया क्रियात्मक पक्ष से। जो ब्लूम का दिया गया मॉडल है शैक्षिक उद्देश्य, उसका सीधा संबंध है महात्मा गांधी के 3H बेसिक शिक्षा प्रणाली को, इसको भी आप ध्यान में रखें, कौन कौन से हेड, हार्ट, हैंड ऑप्शन में दे देते हैं, इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब आगे हम देखते हैं उद्देश्यों का जो वर्गीकरण, हमने तीन पक्ष देखे हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, इनको वापिस उप भागों में बांटा गया है, जो ये है, सबसे पहला है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान पक्ष को कितने भागों में बांटा है, सबसे पहला ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, इस क्रम को भी आपको बिल्कुल याद रखना है, प्रश्न क्रम से भी बन सकता है। ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। फिर बात आती है भावात्मक पक्ष की, तो भावात्मक में सबसे पहला है ग्रहण करना, दूसरा है प्रतिक्रिया करना, तीसरा है अनुमूलन, चौथा है अवधारणा और पांचवा है व्यवस्थापन, छठा है चरित्रीकरण। फिर बात आती है क्रियात्मक पक्ष की, तो इसमें सबसे पहला है अनुकरण, दूसरा कार्यवाही, तीसरा नियंत्रण, चौथा समायोजन,
पांचवा स्वाभाविकरण और जो अंतिम रूप है आदत या कौशल, आदत का निर्माण भी कहीं पर देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से ये इस चीजों के बारे में आज हम पूरा डिस्कस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला ज्ञानात्मक पक्ष की बात करें, इसे संज्ञानात्मक भी कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले जो हमने देखा था संज्ञानात्मक पक्ष, प्रश्न बनने की संभावना 90% प्रतियोगिता परीक्षाओं में संज्ञानात्मक पक्ष से रहती है। तो हमें इसे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, उनको भी पूरा पढ़ेंगे, लेकिन इस पर थोड़ा हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। सबसे पहली बात आती है संज्ञानात्मक पक्ष की। संज्ञानात्मक पक्ष में आपको एज इट इज याद रखना है, सबसे पहले किसी वस्तु विषय वस्तु का आपको क्या होगा, ज्ञान होगा, उसके बाद उसकी समझ होगी, उसके बाद उसे आप परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे, और विश्लेषण का आशय होता है अलग अलग करके सीखना, और अलग अलग करने के बाद आप उन्हें एक जोड़कर परिस्थिति में प्रयोग करोगे संश्लेषण, और अंतिम रूप से आपने क्या सीखा है इसका निर्णय करेंगे आप मूल्यांकन के द्वारा। तो इस प्रकार आप इस चीज को पूरा याद करने का प्रयास करें। सबसे पहला आता है ज्ञान। तो आंकड़ों या जानकारी को याद करना, ज्ञान का अर्थ ही यह हो गया किसी भी विषय वस्तु प्रकरण के बारे में आप जानकारी को अपने मस्तिष्क में याद रखें। उसके बाद आता है समझ या बूझ, या फिर इसको कह देते हैं अवबोध या फिर बोध कह देते हैं इसको। बोध का आशय सीधा है आपकी समझ से है, आप उस विषय वस्तु प्रकरण के बारे में क्या समझ रखते हैं, अनुवाद करना है, प्रक्षेप करना है, निर्देशों के अर्थ समझना और समस्याओं की व्याख्या करना, ये किसमें आ गया अवबोध में। तीसरा है अनुप्रयोग, जो भी आपने ज्ञान और समझ के द्वारा जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको परिस्थिति में प्रयोग करना ही अनुप्रयोग कहलाता है। तो इसमें हो गया किसी परिकल्पना का नई परिस्थिति में उपयोग या एक अमूर्त कल्पना स्वतः ही उपयोग करना कहलाता है अनुप्रयोग। फिर बात आती है विश्लेषण की, जो कि इसका चौथा पॉइंट है। विश्लेषण से आशय आप इस बात को ध्यान में रखें, विश्लेषण मतलब किसी भी की प्रकरण को अलग अलग कर सीखना। वस्तु या परिकल्पना विभिन्न भागों को अलग अलग करता है ताकि संगठनात्मक ढांचा समझ सके। किसी भी विषय वस्तु के जैसे किसी बालक को विद्यालय बताया। अब इस विद्यालय शब्द कैसे उत्पत्ति हुई, किस प्रकार इसमें, तो इसको समझाने के लिए यदि वह अध्यापक पहले ई की मात्रा बताएगा, फिर वह की मात्रा बताएगा, फिर इस प्रकार पूरे टुकड़े में कर यदि उसे सिखाता है तो वह कहलाता है विश्लेषण करना, और इन सभी टुकड़ों को वापस जोड़कर अगर वह शब्द बनाता है तो वह कहलाएगा संश्लेषण करना। विविध तत्वों को एक ढांचे एक पैटर्न बनाता है, एक नए अर्थ ढांचे पर जोड़ देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाता है कहलाना जोड़ना हो गया अपना संश्लेषण करना। और उसके बाद जो आपने सीखा है ज्ञान उस पर आप यदि निर्णय लेते हैं तो वह कहलाता है मूल्यांकन। इस बात को आप ध्यान से रखें, ध्यान में रखें। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला ज्ञान, फिर बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसमें जो क्रम होगा सीखने का वो होगा सरल से कठिन की ओर सीखेगा, सरल से कठिन की ओर। इसको पूरी डिटेल से हम देखते हैं आगे। संज्ञानात्मक पक्ष को हमें विशेष तौर से सीखना है, इसके बारे में पूरी समझ विकसित करनी है हमें। सबसे पहला है ज्ञान, संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे पहला पॉइंट ज्ञान है, जिसमें हमने किसी भी विषय वस्तु प्रकरण को हमने क्या किया है, याद किया है। देखते हैं इसमें क्या है। इसके अंतर्गत बच्चों को ऐसा ज्ञान दिया जाता है जो अक्सर उसे आसानी से याद रखता है। बालक इस प्रकार के ज्ञान को बुद्धि में संचित कर रखता है, पुनः प्रत्यास्मरण कर उस ज्ञान का प्रयोग करता है। जैसे किसी बालक को पहाड़े हमने याद करा दिए, वह किसमें आ जाएगा, ज्ञान में आ जाएगा। जैसे ही हमने उस पहाड़े से संबंधित किसी प्रश्न को पूछा तो वह हो जाएगा उसमें बोध। यदि उस पहाड़ों का प्रयोग वह गुणा करने में करता है तो अनुप्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार वह सीखता हुआ आगे बढ़ेगा। फिर बात आती है बोध की। बोध के अंतर्गत बालक को ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान के प्रति समझ को विकसित किया जाता है। जब इसमें बालक ने याद किया हुआ उसको समझ पाता है, उसके अंतर्गत बालक समझ पता कर देता है। जैसे केला क्या है, खरगोश क्या है, इन सब के उत्तर वह बोध में देना प्रारंभ कर देता है। फिर बात आती है अनुप्रयोग। इसके अंतर्गत बालक परिस्थितियों के अनुसार प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करता है। जैसे किसी कैसे का उत्तर इसमें आएगा अनुप्रयोग, यह कार्य कैसे करता है, अनुप्रयोग होगा। फिर आती है विश्लेषण। इसके अंतर्गत हम दिए गए ज्ञान को अलग अलग करके समझने का सीखने का प्रयास करते हैं। फिर बात आती है संश्लेषण। इसके अंतर्गत बालक प्राप्त ज्ञान विभिन्न ज्ञान को एक साथ जोड़कर नई संरचना का निर्माण करता है। फिर बात आती है मूल्यांकन की। इसके अंतर्गत बालक द्वारा दिया गया ज्ञान मूल्यांकन किया जाता है कि वह किस सीमा तक, किस उद्देश्य तक उसने बालक ने सीखा है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे
संज्ञानात्मक पक्ष की, उसको 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हो गया ज्ञान, जिसमें क्या होता है, याद रखता है। फिर बात आती है बोध की, जिसमें क्या करता है, वह समझता है। फिर आता है अनुप्रयोग, यानी कि परिस्थितियों में उसका प्रयोग करता है। फिर बात आती है विश्लेषण, जो कि अलग अलग कर समझने पर प्रयास करता है। उसके बाद बात आती है संश्लेषण, इसमें एक साथ जोड़कर किसी विषय वस्तु को समझा जाता है। फिर मूल्यांकन, अंतिम रूप में जो संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम मूल्य है वह कौन सा है, मूल्यांकन है। इस बात को आप ध्यान में रखें, एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। इसके अंतर्गत बालक द्वारा दिए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, यह पता लगाया जाता है कि बालक ने कितना सीखा है। हमने संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बात कर ली है। अब संज्ञानात्मक पक्ष को 1956 में ये टर्म दे दिए गए थे। इसके बाद बात आती है 2001 में इसमें संशोधित रूप भी आया है, उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 2001 में जो रिवाइज ब्लूम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वह किया था एंडरसन एंड कृतवाल ने, जो कि 1956 में दिया गया था, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन था। उसकी जगह इन दो को चेंज कर दिया है, जिसे हम आगे देखेंगे। जो ब्लूम ने वर्ड यूज किए थे वो नाइन नाउन थे, यानी कि संज्ञा शब्द थी, जबकि 2001 में जो प्रयोग किया गया एंडरसन और कृतवाल ने वह किए थी क्रिया वर्ड को, जैसे उन्होंने ज्ञान को समझ, याद करना, समझना, इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी का यूज किया है। वो हम आगे देखते हैं किन किन को बदल कर इन्होंने किया है। तो सबसे पहले हमने देखा था जो वास्तविक डोमेन या फिर वास्तविक पद दिए थे, जिसमें सबसे पहला हमने दिया था ज्ञान, फिर समझ बूझ या फिर अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इस ये सारे क्या थे, संज्ञा शब्द थे। उनको बदलकर 2001 में संशोधित रूप प्रस्तुत किया, जो कि क्रिया रूप में बदल दिया गया, जैसे कि ज्ञान को याद करना, समझ को समझना, अनुप्रयोग को प्रयोग में लाना, ये सारी क्रियाएं हैं। विश्लेषण को विश्लेषित करना, संश्लेषण को संश्लेषित करना, और वो मूल्यांकन है ये अंतिम रूप सृजन करना, क्रिएट, क्रिएटिंग, इस प्रकार इसमें बदल दिया गया है। संज्ञानात्मक पक्ष की बात कर ली हमने, और जो 2001 में बदला है उनको भी हम देख लेते हैं एक बार पुनः। स्मरण, प्राप्त किए ज्ञान को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में संचित रख पाना, समय आने पर पुनः स्मरण कर पाना, स्मरण शक्ति का गुण है। यानी कि जो 2001 में प्रस्तुत किए गए थे 6, उनके बारे में हम देख रहे हैं, जब से जो निम्न स्तर पर था स्मरण, जो ज्ञान की जगह क्या प्रयोग कर लिया गया, स्मरण। उसमें क्या था, जो भी चीज वस्तु है आपने याद कर ली, और समय परिस्थिति के अनुसार उन्हें पुनः स्मरण कर दिया, मतलब रिकॉल कर दिया, यानी कि रिमेम्बरिंग। फिर बात आती है दूसरा पॉइंट, समझना, प्राप्त किया गया ज्ञान का उपयोग कब, कहां और कैसे करना है। जो भी ज्ञान आपने अपनी स्मरण शक्ति में कर लिया है उसका उपयोग कैसे करना है, वह दूसरे पॉइंट में आता है। समझना पर किसी व्यक्ति के तभी संभव है जब वह प्राप्त ज्ञान को सही तरीके से समझे। जो भी ज्ञान उसने प्राप्त किया है वह अगर समझ लेगा तभी वह उसका उपयोग कैसी परिस्थिति में कब और कहां करना है सीख लेगा। उसके बाद आता है अप्लाई, वहां पे क्या था, अनुप्रयोग, यहां पे लागू करना या फिर अप्लाई। जब वह ज्ञान समझ में आ जाता है तब पता चलता है कि इस ज्ञान का प्रयोग कब और कहां कैसे करना है, तो उस ज्ञान को सही तरीके से सही समय पर लागू करना, नई परिस्थिति में किस प्रकार आप उसे अप्लाई करते हो, वह 2001 मॉडल में लिखा था। फिर आता है विश्लेषण, एनालाइज, उस ज्ञान का लागू करने के पश्चात उसका विश्लेषण करना, उसको तोड़ना, छोटे छोटे भागों में विभक्त करना। फिर बात आती है मूल्यांकन की, जो 2001 में मॉडल प्रस्तुत किया गया था उसमें जो सर्वोत्तम बिंदु था वह था रचना, जबकि ब्लूम द्वारा दिया गया था उच्चतम स्तर था वह मूल्यांकन। इस बात का आप ध्यान में रखें, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, विश्लेषण करने के पश्चात उसका मूल्यांकन करना कि जिस उद्देश्य से उसकी प्राप्ति की गई है उस उद्देश्य की प्राप्ति कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, यह हो गया मूल्यांकन। फिर बात आती है क्रिएटिंग, यानी कि रचना, मूल्यांकन करने के पश्चात उससे स्मरण में नए विचार का निर्माण करना, नवीन सृजन का अर्थ ही होता है कोई नवीन बात करना या फिर नवीन विचार या रचना करना। ये सारे 2001 के अनुसार बांटे गए जो टेक्सोनॉमी के ब्लूम की रिवाइज्ड है उसे कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इसमें सबसे पहला है स्मरण या रिमेम्बरिंग, समझना अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई यानी लागू करना, विश्लेषण एनालाइज, मूल्यांकन और अंतिम है रचना, क्रिएटिंग। अब बात आती है, हमने ज्ञानात्मक पक्ष की बात कर ली, ज्ञानात्मक पक्ष में जो 6 भागों में बांटा था वो भी देख लिए, और 2001 में जो रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी आई है उसके बारे में भी हमने देख लिया। यहाँ से जो हमने पहले पढ़ा उससे प्रश्न आने की संभावना रहती है, लेकिन जो धीरे धीरे जो कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो प्रश्न कहीं से भी आ जाता है, तो
तो हमें वो किसी भी पार्ट को छोड़ना नहीं है। तो हम देखते हैं अगला जो पक्ष है भावात्मक पक्ष, इसका संबंध भावनाओं से है और ये किसके द्वारा दिया गया है, क्रैवाल और मौर्या ने दिया था और 1964 में किया था इस पक्ष का वर्गीकरण। भावात्मक पक्ष का तात्पर्य छात्रों की भावनाओं से संबंधित है। भावनाओं के पक्ष के अंतर्गत अध्यापक छात्रों को प्रकरण में भावनाओं के द्वारा जोड़ने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत अध्यापक छात्रों के भावात्मक पक्ष का भी विकास करता है। केवल ज्ञानात्मक पक्ष ही शिक्षण का शैक्षिक उद्देश्य नहीं हो सकता है, उसके अंदर भावात्मक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए। वर्तमान में भावात्मक पक्ष कमजोर होने की वजह से आजकल अध्यापक बच्चों में आत्महत्या, ऐसी जो रिजल्ट आने पर आत्महत्या करना है, ऐसी संभावनाएं और जो बढ़ रही हैं, लेकिन भावात्मक पक्ष मजबूत या उसका भावात्मक पक्ष मजबूत होने पर बालक अच्छे से सीखता है, अच्छे से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य उस प्रत्यय के प्रति छात्रों का भावात्मक, जैसे गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, चिढ़ना, उत्तेजित होना, रोना आदि रूप का विकास करना है। अब भावात्मक रूप को हमने कितने भागों में बांटा है उसको देखते हैं। सबसे पहला आता है भावात्मक पक्ष में अनुकरण करना। अनुकरण करना, भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम बालक को अनुकरण के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना चाहिए। एक अध्यापक को छात्रों को पढ़ाते समय उस प्रकरण का भावात्मक पक्ष को महसूस या उसको क्रियान्वित रूप देना चाहिए, जिससे छात्र उसका अनुकरण कर महसूस कर सके। बालक हमेशा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। भावात्मक पक्ष का सबसे पहला पॉइंट यह है कि अध्यापक अपने शिक्षण उद्देश्य में इस प्रकार उस भावात्मक पक्ष पर बल दे जिससे बालक उसके द्वारा सीख सके। फिर आती है बात अनुक्रिया की, रेस्पॉन्स। अनुकरण के पश्चात होता है रेस्पॉन्स करना और रेस्पॉन्स के द्वारा वह सीखता है। फिर बात आती है अनुमूलन, वैल्यू। जो अनुक्रिया की है उसने उसका मूल्यांकन करता है कि किस प्रकार जो क्रिया सही हुई है या गलत हुई है। फिर बात आती है संप्रत्यय, जो भी उसने कार्य किया है वह सही है तो उसके प्रति एक विचार बनाना कहलाता है संप्रत्यय। और फिर बात आती है संगठन की, इस प्रकरण में एक स्थान में रहकर उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसमें विचार करना शुरू करते हैं। किसी एक प्रकरण के बारे में आपने सोचना या चिंतन करना ही संगठन कहलाता है। जो अंतिम मुख्य उच्चतम स्तर है भावात्मक पक्ष का, वह है चरित्रीकरण, यानी कि बालक के चरित्र का निर्माण करना। तत्पश्चात हम उस छात्र पात्र के एक चरित्र निर्माण करते हैं जिसमें हमारे भीतर उसके प्रति एक भाव उत्पन्न होता है, जैसे गुंडों के प्रति गुस्से का भाव, हीरो के प्रति सहानुभूति वाला भाव। यदि आप मूवी देखते हैं तो इस प्रकार की भावनाएं आपके पक्ष में मजबूत होती रहती है। भावात्मक पक्ष को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। सबसे पहला था अनुकरण, जिसमें बालक अनुकरण द्वारा सीखता है, उसके बाद उस अनुकरण के प्रति अनुक्रिया करता है। फिर अनुमूलन, अनुक्रिया के पश्चात उस जो क्रिया की है उसने सही की है या गलत की है उसके बारे में विचार करता है। फिर संप्रत्यय, जो उसने क्रिया की है वो सीखा है उसके सब पहलुओं को मिलाकर एक विचार प्रस्तुत करता है, वह कहलाता है संप्रत्यय। और संगठन, उस विचार के बारे में करना चिंतन कहलाएगा संगठन करना। और इन सब से मिलाकर अंतिम रूप में बनता है उसका चरित्रीकरण, यानी कि चरित्र निर्माण होता है। भावात्मक पक्ष के पक्ष हमने देख लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्रियात्मक पक्ष, यह किसने दिया था, इसका संबंध मनोशारीरिक उद्देश्य का निर्माण करना है। ये किसने दिया, तो सिंपसन ने 1969 में दिया था। इन्होंने कौन कौन से बिंदु दिए हैं देखते हैं हम। क्रियात्मक पक्ष सबसे पहले इन्होंने दिया था उद्दीपन, सबसे पहला पॉइंट माना जाता है क्रियात्मक पक्ष का उद्दीपन। यह एक प्रकार का निष्क्रिय पक्ष होता है, इसमें बालक इस समय निष्क्रिय होता है, उद्दीपन को देखकर कार्य करना प्रारंभ करता है। उद्दीपन से आशय कुछ ऐसी वस्तु से है जो अपनी ओर आकर्षित करती है, तत्पश्चात उसे देखकर अनुक्रिया करते हैं, जैसे भूख लगने पर खाने की तरफ क्रिया करना, भूख इसमें उद्दीपन हुआ। और फिर बात आती है कार्य करना, उद्दीपन के बाद उस उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया की जाती है वह कार्य करना कहलाता है, या फिर इसे अनुक्रिया भी कहते हैं कहीं कहीं पर। उस उद्दीपन के प्रति क्रिया हमको कार्य करने पर मजबूर करती है। फिर बात आती है नियंत्रण, यह क्रिया हम नियंत्रित रखने का प्रयास करती है। फिर बात आती है चौथा पॉइंट है समन्वय, इसमें नियंत्रण रखने के लिए हम उद्दीपन और क्रिया के मध्य दोनों में समन्वय स्थापित किया जाता है। स्वाभाविक नेचुरलाइजेशन, वह समन्वय करते करते एक समय ऐसा आता है कि उनमें समन्वय स्थापित करना हमारे लिए सहज हो जाता है, उसे हम आसानी से हर परिस्थिति में उसमें समन्वय स्थापित कर पाते हैं, वह हमारा स्वभाव बन जाता है। और अंतिम में जो मुख्य रूप होता है आदत निर्माण करना। क्रियात्मक पक्ष का जो मुख्य उद्देश्य होता है आदत निर्माण करना। सबसे पहले कोई वस्तु है किसी के प्रति सीखनी है तो उससे पहले सबसे पहले हमें उद्दीपन
फिर उसके प्रति हम अनुक्रिया करेंगे, अपने आप को नियंत्रित करेंगे। नियंत्रण करने का जो कार्य है, अनुक्रिया और उद्दीपन के मध्य समन्वय स्थापित किया जाएगा, फिर धीरे धीरे वह हमारे व्यवहार में परिवर्तित हो जाएगी और अंत में वह हमारे आदत के स्वरूप में आ जाएगी। ऐसी परिस्थिति दोबारा आने के पश्चात हम वही क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा करते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर नई आदतों का निर्माण होता है। हमने ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा है, उनके सबसे सबकी डिटेल्स हमने देख लिया है। अब हम आगे देखते हैं इससे संबंधित जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, वो किस प्रकार की पैटर्न में आए हुए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उद्देश्य इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेगा, यह ज्ञानात्मक पक्ष। देखो डायरेक्ट प्रश्न में पूछा गया है, ज्ञानात्मक पक्ष उद्देश्य से संबंधित है। तो ज्ञानात्मक पक्ष में हमने क्या क्या देखा था, सबसे पहले ज्ञान था, फिर अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और अंतिम रूप में था मूल्यांकन करना। अब इसमें बात आती है इकाई पूर्ण होने पर कहानी की मुख्य घटनाओं को शुद्ध रूप में संक्षिप्त करना, और संक्षिप्त कर कब कर पाएगा, जब उसके पास ज्ञान तो हो गई और ज्ञान के साथ साथ उसे अगर अवबोध होगा यानी कि उसके प्रति समझ होगी तो कब करेगा। तो ये हो गया इसमें आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया, तो हमने देखा था बी एस ब्लूम ने दिया था। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है, कहीं कहीं संज्ञानात्मक मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको ज्ञानात्मक पक्ष भी मिल जाएगा। तो हमने बात की थी संज्ञानात्मक पक्ष की, पर्टिकुलर बिना नाम के अगर पूछा जाता है तो आपको सीधा मूल्यांकन करना है, और संशोधित रूप में पूछा जाता है तो आपको रचना या क्रिएटिंग करना है। एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा, कार्यभार ब्लूम के वर्ग, इसमें पर्टिकुलर नाम देके पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन में, ब्लूम के वर्गीकरण में कौन सा संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। तो यदि वो कार्य सीखा हुआ है उसका क्या कर रहा है, वह प्रयोग कर रहा है, यहाँ पर दे गया संप्रयोग, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बालक के सोचने विचारने के बाद सही निर्णय लेना, मैंने बात की थी निर्णय लेना मूल्यांकन का दूसरा रूप ही अर्थ ही क्या है, निर्णय लेना। इस कीवर्ड को आप अपने आप में ध्यान रखें, आपके क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। निर्णय ले सकता है या किस प्रकार का उद्देश्य, तो निर्णय लेना मूल्यांकन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लूम के वर्गी के तीन ज्ञान क्षेत्र कौन से हैं, तो हमने देखा था प्रारंभ में ही संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इसमें एक वर्ड को इधर उधर कर दिया है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक को और क्या कह सकते हैं, मनोवाहक भी कहते हैं, आप ऐसे काट सकते हैं। देखो मूल्यांकन तो ज्ञानात्मक पक्ष का भाग था, प्रशिक्षण को भाग नहीं था, और सामाजिक नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्वेश्चन को किस प्रकार करना है आप इसको भी सी के साथ साथ, ब्लूम की पाठ योजना आधारित थी, प्रस्तुतिकरण पर, विषय वस्तु पर, उद्देश्यों पर और उपरोक्त सभी पर। बालक को उपरोक्त सभी आते ही ये सोचता है कि डी कर दो, उपरोक्त सभी मेरा आंसर सही हो जाए, लेकिन अभी प्रकृति बदल के ये प्रश्नों की एग्जामिनर आपका समझ को देखना चाहता है कि बालक ने कितना सीखा है उस विषय के पर, उसकी कितनी पकड़ है। तो ब्लूम के लिए पूछा है, तो ब्लूम ने सबसे ज्यादा कार्य उद्देश्य पर किया है, तो प्रबल आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आज के जो सेशन में इतना ही। यदि आप फ्री नोट्स है, मॉक टेस्ट है, किसी भी प्रकार के फ्री मटेरियल चाहते हैं शिक्षण के प्रति, तो आपको विस्तृति ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इस वीडियो से संबंधित यदि आप पीडीएफ या फिर इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है वेबसाइट का, वहाँ पर जाकर आप इसे पुनः रिवाइज कर सकते हैं कुछ ही 2-3 मिनट में अंदर। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।